भारतीय कांग्रेस कमेटी की सदस्य डॉक्टर रंजू रामावत गुरुवार को पाली की तखतगढ़ नगर पालिका पहुंची। यहां उन्होंने अधिशासी अधिकारी नरेंद्र सिंह काबा से जरूरतमंद लोगों के लिए की जा रही व्यवस्थाओं की जानकारी ली और साथ ही लॉकडाउन की स्थिति को लेकर भी चर्चा की। इसके बाद रंजू रामावत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे और डॉक्टर्स से कोरोना वायरस को लेकर चर्चा उन्होंने की। इस दौरान उन्होंने अस्पताल का निरीक्षण भी किया और साथ ही अम्बेडकर भवन, रैन बसेरा और जनता रसोई की व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया। रंजू रामावत ने उपखंड अधिकारी के मामले को लेकर कहा कि उपखंड अधिकारी अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसे समय में किसी प्रकार की राजनीति नहीं होनी चाहिए और जो लोग उपखंड अधिकारी की शिकायत कर रहे हैं वो उन्हें कांग्रेस कार्यकर्ता नहीं मानते। इस मौके पर कनिष्ठ अभियंता आकाश त्रिवेदी, कार्यालय सहायक हरिलाल भाटी और वरिष्ठ लिपिक रतन सांखला भी मौजूद रहे। मैंने चिकित्सा विभाग में जो हमारे मुस्तैद जो डॉक्टर्स हैं, जो उनकी टीम है, जो हमारे नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी और उनकी टीम है, जो जनता रसोई के माध्यम से जन जन तक जो है जो कोई भी व्यक्ति, चूँकि मुख्यमंत्री जी का जैसा निर्देश है और जो उनकी ख्वाहिश है कि कोई भी व्यक्ति घर पर भूखा न सोए, उस तक भोजन की व्यवस्था और हर तरह की ज़रूरत की चीज़ें, पैसे से लेकर के भोजन से लेकर पका भोजन, कच्चा भोजन, हर तरह की चीज़ें उन तक पहुँचे, उस व्यवस्था को जो है देखने के लिए जो है मैं तखतगढ़ आई। जालौर कलेक्टर ने कोरोना वायरस को लेकर सभी विभाग के आला अधिकारियों के